أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نوته أوهام الواصفين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميومين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لتروا بمقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صلوات محرم کا چاند نمودار ہوا اور یہ اس عالم میں ہے کہ جہاں دنیا اس وقت ایک وبا کی ایک پینڈیمک کی ایک اپیڈیمک کی کرونا وائرس کی شکار ہے ہمارے سال کا جو آغاز ہو گیا ہے سال کا آغاز ان حالات میں ہوا ہے لیکن جہاں جہاں پہ قیامت تک دعائے زہرہ کے پروردہ موجود ہیں اور یہ عزا کا سلسلہ ہر صورت میں اپنی ساری ایس او پیز کے ساتھ اپنی ساری احتیاطی تدابیر کے ساتھ اپنے سارے رولز اینڈ ریگولیشن کے ساتھ ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم احتیاط کے ساتھ ساتھ فرزند زہرہ کا ماتم کرنے کے لیے ان کی عزاداری کرنے کے لیے آئے حالات کیسے بھی ہوں اس دور کے اس بگاڑ کی صورت میں ان بگڑے ہوئے حالات میں بھی ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ فرزند زہرہ کا ماتم کسی صورت میں رک نہیں سکتا ہے ہم حالات کے تحت اپنے تقاضوں کے تحت اس وجہ سے کہ یہ حسرت ہے یہ گریہ آرزو ہے یہ گریہ بی بی کی اس تمناؤں کا نتیجہ ہے ہم سارے بی بی اپنا رومال لے کے آتی ہے آنسوں کو جمع کیا کرتی ہیں
ये रुमाल फातिमी में जो आंसू निछावर करने के लिए आए हैं हम आज। बीबी आपने कहा था कि मेरे हुसैन पे कौन रोएगा, आपने तड़प के कहा था मेरे हुसैन पे, जब हुजूर ने फरमाया कि ये जिन शहजादों के साथ, ये सुन्नी शिया दोनों में ये रिवायत मौजूद है, मिश्कात शरीफ में भी है, मुस्नद इब्ने अहमद हंबल में भी है, मुस्तदरक सहीहैन में भी है, मुतअद्दी जो किताबें हैं उनमें ये रिवायत मौजूद है कि जब हुजूर अपने दोनों शहजादों के साथ मोहब्बत कर रहे थे, प्यार कर रहे थे, ऐसे में जिब्रील अमीन आते हैं, कहा या रसूल अल्लाह आप अपने छोटे शहजादे हुसैन के साथ जिसके साथ आप अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, ये आपकी उम्मत इस हुसैन को करबला की उस रेती पर 3 दिन का तिश्ना प्यासा ज़िबा कर देगी, और जो दूसरा आपके बड़े शहजादे हैं, बड़े शहजादे हसन मुश्तबा, इन्हें ये उम्मत से क्या है उस जहर हलायल से मसमूम करके शहीद कर देगी। उस वक्त पैगंबर ने क्या किया, हुसैन के गले का बोसा लिया, इमाम हसन के लबों का बोसा लिया, कहते हैं कि इस कदर जारो कतार गिरिया कर रहे थे, और यही हालत बताई इमाम हुसैन ने अपनी माँ जहरा से कि आज बाबा के यहाँ क्या हुआ है, मेरे गले का बोसा लिया है, मेरे भाई हसन के लबों का बोसा लिया है, आप जरा ये देखिए कहीं मेरे दहन से बू तो नहीं आ रही है। कहा बेटा आपके दहन से तो मुश्क अंबर से ज्यादा खुशबू है। कहा क्या, मैं खुद पूछती हूँ बाबा, ये बताइए ये राज क्या है, आपने मेरे हुसैन के गले का बोसा लिया, मेरे हसन के लबों का बोसा लिया। कहा बेटी ये राज है, इसको मत पूछिए वरना कयामत गिरिया करती रहोगी। कहा नहीं बाबा आप जरूर बताइए। उस वक्त पैगंबर ने फरमाया बेटी अभी जिब्रील अमीन आए थे, उन्होंने आकर मुझे करबला की खाक भी दी है, और उन्होंने मुझे आकर बताया है कि आपका हुसैन 3 दिन का तिश्ना प्यासा करबला के लक्को दक सहरा में ज़िबह कर दिया जाएगा। इस वजह से मैंने हुसैन के गले का बोसा लिया, और जिब्रील अमीन ने मुझे आकर बताया है कि आपके हसन को ये जहर जफा के जरिए, जहर हलायल के जरिए कत्ल कर दिया जाएगा, मसमूम कर दिया जाएगा, इसलिए मैंने हसन के लबों का बोसा लिया। कहा तड़प के बाबा इतना बता दीजिए ये किस वक्त की बात है, किस टाइम की बात है। पर मैं ये उस जमाने की बात है, फी जमान खालिन अन्नी वान के वान हसन वान अली, ये वो जमाना होगा जिस वक्त ना मैं मौजूद होगा, ना इनका बाबा अली मौजूद होंगे, ना इनका भाई हसन मौजूद होंगे, ना आप मौजूद होंगी। उस वक्त बीबी ने हसरत से पूछा बाबा इतना बता दीजिए मेरे हुसैन पे कौन रोएगा, मेरे हुसैन पे कौन गिरिया करेगा, मेरे हुसैन पे कौन मातम करेगा। आप जो आए हैं इस मौसम में इन हालात में आप दुआए जहरा हैं, आप आरजूए सैयदा हैं, और ये हमने बता दिया है। हालात खा जितने भी संगीन हों, हालात खा जितने भी बदतर हों, हालात में खा जितना भी बिगाड़ हो, सीद शहदा की आज़ादारी रुक नहीं सकती। इस वक्त आप देख रहे हैं पूरे दुनिया में ऑनलाइन सिस्टम, इस वक्त आप देख रहे हैं ये जितने SOPs के हिसाब के साथ जितनी अकोमोडेट हमारे हो सकते हैं उस तरह हम ये आज़ादारी, इस आज़ादारी को जो आरजू है बीबी की, उस वक्त बीवी ने एक दुआ आप सबको दी है, एक दुआ दी है, फरमाया मैं उस वक्त तक जन्नत नहीं जाऊंगी, उस वक्त तक जन्नत नहीं जाऊंगी जब तक मेरे हुसैन की आजादार जन्नत ना जाए। अल्लाह ने आपको क्या नेमत दी है ये आजादारी। दुनिया वाले अपने साल आज आपने देखा मुख्तलिफ किस्म के सोशल मीडिया पर मुबारकबादें और क्या से क्या हो रहा है, हम ये बताना चाहते हैं उन्हें, हम फर्जंद जहरा सीद शहदा इमाम हुसैन का अजा का हम इस्तकबाल करने वालों में, दुनिया खुशियों का इस्तकबाल करती है, हम अजा का इस्तकबाल करते हैं।
अज़ाए सीदु शोधा का हम इस्तकबाल किया करते हैं। हाँ, ये बात ज़रूरी है, खुशियों के मौसम में सभी जमा होते हैं, सबको दावत दी जाती है। जब खुशियाँ होती हैं सारे लोग आ जाते हैं, सबको दावत भी होती है, इनविटेशन भी हुआ करता है। लेकिन गम के मौसम में अपने ही शामिल हुआ करते हैं। तुमने मुबारकबादें दे के इस बात को साबित किया है कि तुम अपने नहीं हो। तुम हुसैनी अगर होते तो तुम्हें आज के दिन इतनी सोशल मीडिया के ऊपर यलगार नहीं करनी चाहिए थी। मैं बाहर कैफ क्या कहूँ उनको, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि ये वो कौम है जो इस्तकबाल करती है अज़ा का। इस्तकबाल अज़ा वही किया करते हैं जो अपने हुआ करते हैं। इस्तकबाल अज़ा के लिए, ताज़ियत के लिए किसी को दावत देने की ज़रूरत नहीं होती है। जिसके यहाँ कज़िया हो जाए, जिसके यहाँ मातम हो जाए, जिसके यहाँ ताज़ियत पेश करनी हो, उसे दावत नहीं दी जाती है। अपने जूँ ही सुनते हैं फौरन शामिल हो जाया करते हैं, गैर ताज़ियत के माहौल में नहीं आया करते हैं, अज़ा की सूरत में गैर नहीं आया करते हैं। अपने जहाँ पे भी सुनते हैं फौरन इसमें शामिल हो जाया करते हैं। इस वजह से कि अज़ा के माहौल में जो इच्छा नज़र आता है, आपने देखा अज़ा खाने सज गए हैं, फर्श अज़ा बिछ गया है पूरी SOPs के साथ, पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ। आप देखें, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, बैठे हैं, और अज़ाए सैयदु शुहदा बीबी को पुरसा देने के लिए, पैगंबर इस्लाम को पुरसा देने के लिए। याद रखो, ये अज़ादारी कोई आज की नहीं है, ये अज़ादारी कोई रस्म भी नहीं है, ये अज़ादारी कोई रवाज नहीं है, ये अज़ादारी कोई फंक्शन नहीं है, ये अज़ादारी कोई आम से हालात के तहत कोई आज़ादारी अकीदा है, एक आज़ादारी अकीदत है। हम अपनी अकीदत के इजहार करने के लिए इस वजह से हर अकीदे का तहफ्फुज़ करती है यह आज़ादारी। मैं इंशाल्लाह मौजू, ज़ाहिर है कि मुझे पहली गुफ्तगू तमहीदी तौर पे, इब्तदाई तौर पे करना है। कल से मैं अपने मौजू के ऊपर गुफ्तगू करूँगा कि इम्तहान के जो मदारिज हैं, दरजात हैं, उस सिलसिले में हमारी गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह इस अशरे में। मैं आज ज़रा इब्तदाई और तमहीदी तौर पर, एक इंट्रोडक्शन के तौर पर, एक तमहीद के तौर पर, एक इब्तदाइया के तौर पर, एक इब्तदाइया के तौर पर यह बताना चाहता हूँ सारे आलम इस्लाम पर, हम जो आज़ादारी मनाते हैं, आज़ादारी का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉर्निंग एंड लिमिटेशन, ये किसी दुनिया के रवाज से नहीं है, दुनिया की कोई रस्म नहीं है। अगर दुनिया की रसूमात होती, रसूमात मिट जाया करती हैं। हर दिल में कब्र सैयदु शुहदा मौजूद है, इस वजह से ये दुनिया की रस्म नहीं है। दुनिया के आम जो फेस्टिवल होते हैं वो भी नहीं है, ये दुनिया का रवाज नहीं है। आज़ादारी अपना अकीदा है, अपनी अकीदत है। हम अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं, हम बताने के लिए आए हैं यहाँ पे कि ये आज़ादारी क्या है। आज़ादारी जिसकी इब्तिदा पैगंबर इस्लाम ने की है, हुजूर ने की है, हुजूर ने सबसे पहले आज़ादारी की। हम अगर अहल सुन्नत हैं तो हमें सुन्नत के ऊपर चलना चाहिए। हम अगर अहल सुन्नत हैं, आप कहते हैं कि हम अपने आप को अहल सुन्नत, तो आज़ादारी सैयदु शुहदा सुन्नत पैगंबर इस्लाम है। पैगंबर इस्लाम ने सबसे पहले आज़ादारी की, इस वजह से सबसे पहले खुद पैगंबर रोए हैं। उसके बाद आज़ादारी सबसे पहले पैगंबर के बाद अहले बैत ने की है। सैयदा का आपने वाक्य सुना, उनके बाद अहले बैत के बाद अज़वाजुन नबी ने आज़ादारी की है। ये जो वाक्या है, ये दो तरह का वाक्य है कि हज़रत उम्मे सलमा के घर में भी, इसको भी सुन्नी शिया ने इस वाक्य को नकल किया है कि जब हज़रत उम्मे सलमा के यहाँ जाते हैं, फरमाए कि आज मैं थकान महसूस कर रहा हूँ, थोड़ा आराम चाहता हूँ, कोई आज जो है ना अभी मेरे पास नहीं आए, कमरों को बंद कर दिया। कहते हैं ऐसे में इमाम हुसैन आए,
कहा कि बेटा आपके नाना का यह हुक्म है कि कोई भी अभी चूंकि वह आराम कर रहे हैं, तो फरमाए कि अम्मा क्या मेरे लिए भी यही हुक्म है? कहा बेटा यही बताया है कि कोई ना अभी मेरे पास। कहते हैं कि इमाम हुसैन ने गिरिया किया, उस गिरिया की आवाज को पैगंबर ने सुना और पैगंबर ने पूछा उम्मे सलमा कौन है? कहा इमाम हुसैन है। कहा मैंने हुसैन के लिए तो ये जुमले नहीं कहे थे, ये मैंने सबको, अब तुमने सब में हुसैन को शामिल किया, मैंने ये हुसैन इब्न अली के लिए तो बात नहीं की थी, उन्हें इजाजत है वो अंदर आए। कहते हैं बीबी उम्मे सलमा की रिवायत फरमाती हैं कि थोड़ी देर गुजरी के पैगंबर के धाड़ धाड़ रोने की आवाज आई, रो रहे हैं जारो कतार पैगंबर। कहते मैंने दरवाजा खोला, मैंने पूछा मेरे मां बाप आप पे कुर्बान हो जाएं या रसूल अल्लाह, क्या बात है मायूब की, क्यों किस बात ने रोड़ाया है? कहा कि अभी अभी जिब्राहिल अमीन आए हैं, उन्होंने आकर मुझे करबला की खाक दी, वही खाक के जो बीबी उम्मे सलमा को पैगंबर ने दी थी। कहा ये तुम अपने पास रखो, ये करबला की खाक है, जब ये खून बन जाए तो समझ जाना कि मेरा हुसैन शहीद हो गया है। यादव तुम्हें सलमा के पास दी ये खाक शिफा, हुजूर हजरत उम्मे सलमा, हजरत उम्मे सलमा भी रो रही हैं। सबसे पहले गिरिया हुजूर ने किया है, उनके बाद अहले बैत ने किया है, उनके बाद सहाबियात, सहाबियात की बाद में बारी आती है, सहाबा की बाद में बारी आती है, अजवाज नबी ने किया है, उसके बाद तारीखें बताती है कि हुजूर क्या किया करते थे। सहाबियों का मजमा होता था, उस मजमे में बाज़ वक़्त कमीज को हटाकर पैगंबर इस्लाम के भी गर्दन पे बोसा देते थे, कभी सीने पे बोसा दिया करते थे। सहाबी पूछते थे या रसूलल्लाह ये आप क्या कर रहे हैं? फरमाते थे उकब्बिलो मवाज़िअ सुयूफ, मैं उन उन जगह पे बोसे दे रहा हूं जहां पत्थर लगेंगे, जहां तीर लगेंगे, जहां तलवारें लगेंगी, जहां नेज़े लगेंगे। सहाबी सारे गिरिया करते थे, आले बैत ने गिरिया किया, पैगंबर ने गिरिया किया, अज़वाज नबी ने गिरिया किया, सहाबा ने गिरिया किया, सहाबियात ने गिरिया किया। गिरिया की जो तारीख है वह आजकल की नहीं है, आज हम 1380 साल के बाद यह हजार सलामत है, यह ताजियत सलामत है, 1380 साल के बाद आज हम 1442 हिजरी का जो अशरा है वह आज मना रहे हैं, यानी क्या है मिलेनियम को हमने गुजारा, उसके बाद 1380 साल के बाद भी यह गिरिया कभी खत्म नहीं होगा, ता क्याम क्यामत यह गिरिया जारी है, ता क्याम क्यामत यह अजा जारी है, ता क्याम क्यामत यह पुरसा जारी रहेगा। लिहाजा जो तारीख है अजा की, यह अजा की तारीख, ये ना कोई समझे कि हाँ जी 14 सदियों के बाद जो है ना ये इसका आगाज हुआ, नहीं, इसका आगाज अगर आप मुसलमान हैं, अगर आप सुन्नत के ऊपर चलने वाले हैं, तो आपको इस सुन्नत के ऊपर एहया करने की जरूरत है, उसको बताने की जरूरत है। फिर अगर इस सुन्नत का सही मानों में इसका इल्म होता तो मैं नहीं समझता हूं कि दुनिया वाले आते और आकर जो है ना वो बैत का जो है ना मुतालिबा करते, मुतालिबा किया बैत का मुतालिबा। उसमें आप देख रहे हैं मुआविया के मरने के बाद सिलसिला हालात इस कदर उनमें बिगाड़ पैदा हुआ है कि यजीद जैसा आकर जो है ना वो मुसल्लत हो गया इस्लाम के ऊपर, खिलाफत के ऊपर।
वो मेंबर के जो पैगंबर इस्लाम के है उसके ऊपर। इस वजह से ये बात खत लिखा गया यजीद की तरफ से, वलीद बिन अतबा रात के टाइम बुलाया गया, लेकिन तारीख इस बात पे शायद है रात के टाइम बुलाना। बीवी ने कहा ऐसे ऐसे नहीं जाने दूंगा, ऐसे नहीं जाना है। ये पहली जो सिपाह तैयार की है सिपाही ज़ैनब, यही मुहाफिजीन ज़ैनब हैं, यही हैं वो ज़ैनबियों जो आज भी उस सुन्नत के ऊपर चलने वाले और बीबी के रोजे के तहफ़ करने वाले हैं, और जिनका ये नारा था कुल्लुना अब्बास या ज़ैनब, हम सारे के सारे तेरे अब्बास हैं। तारीख ये कहती है कि कम अज कम जो तारीख ने लिखा है 19 हाशमी जवान थे, ज्यादा से ज्यादा 60 का लिखा है। सारे हाशमी जवानों को तैयार किया, बीबी ने तैयार किया, क्यों कहा इस तरह तनहा नहीं जाने दूंगा। अंत अलामत जद्दी व अबी व उम्मी व अखी, हुसैन तू मेरे जद की अलामत है, मेरे जद की निशानी है, मेरे बाबा की निशानी है, मेरी माँ की निशानी है, मेरे भाई की निशानी है, तनहा नहीं जाने दूंगी। फरमाया ठीक है, हाशमी जवान जाते हैं, जाने के बाद दारुल अमारा यानी गवर्नर हाउस इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि नहीं, चूंकि मुझे ही बुलाया गया है, लिहाजा आप में से अंदर कोई नहीं जाएगा, अगर कोई मुश्किल बनी तो मैं नारे तकबीर को बुलंद करूंगा, उस वक्त आप लोग आ जाना। सारे बाहर इंतजार कर रहे हैं, दारुल अमारे के बाहर सब इंतजार में। इमाम अलैहिस्सलाम जाते हैं, सारे लोग ये जितने थे दरबारी सब ने खड़े होकर इस्तकबाल किया। इमाम अलैहिस्सलाम जब तशरीफ फरमा हुए, यजीद का खत दिखाया, यजीद का खत ये था, उनको पता था सारे जो अहले दरबार थे, दरबारी सबको इल्म था, खत में ये लिखा था कि अगर सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन बैत न करें तो इस खत के जवाब में हुसैन के सर को रवाना करो। खत जब दिया तो इमाम अलैहिस्सलाम ने खत को पढ़ा, पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं, और जब उस जगह पे पहुंचे जहां पे कहा कि अगर हुसैन बैत न करें तो इस खत के जवाब में उनका सर रवाना किया जाए, तो कहते हैं इमाम मुस्कुराने लगे। अब उनके लिए बहुत ज्यादा वो सरप्राइज हो गए कि आखिर वजह क्या है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सलावत पढ़े, फिर भी सलावत पढ़े, क्या वजह है कि इमाम मुस्कुरा रहे हैं, जबकि कोई खत में तो ऐसी बात नहीं है, मुस्कुराने की तो बात नहीं है। उन्होंने पूछा कि क्या वजह है, फरमाया कि यजीद मुझे कत्ल की धमकी दे रहा है, उसे नहीं पता है मैं उसका बेटा हूं कि जो मौत से खेला करता था, चाहे अली मौत पर आ पड़े या मौत अली पर आ पड़े, इसमें क्या फर्क है, अली मौत से इतना मानूस जितना एक शीरखार बच्चा मां के शीर से हुआ करता है, अली और मैं उसका बेटा हूं। कहा कि वलीद तुम्हें पता होना चाहिए, ये पहला खुतबा है, ये पहला खुतबा है। फरमाया कि वलीद तुम्हें पता होना चाहिए, अय्युहल अमीर नहनु अहलु बैत नबुव्वत, हम नबुव्वत के घर वाले हैं, नबी के घर वाले नहीं, नबी के घर वाले और हैं, नबुव्वत के घर वाले और हैं।
पहली मंजिल बताई, नहनु अहलु बैत नबुव्वत, हम नबुव्वत के घर वाले हैं। नबी का घर और है, नबुव्वत का घर और है। नबी का घर पत्थर से बना, सीमेंट से बना, सरिये से बना, खजूर के पत्तों से बना, नबुव्वत का घर ये नहीं है। इसी वजह से आप नबी की तफसीर में जब चले जाएं तो क्या है कि अन्नबियो लिबनतुन नबुव्वा, हर नबी नबुव्वत की एक ईंट हुआ करता है, हर नबी नबुव्वत की एक ईंट होता है। जिस घर की इब्तिदा हजरत आदम से हुई है, फरमाया क्या है, नहनु अहलु बैत नबुव्वत, हम नबुव्वत के घर वाले हैं। नबी के घर नहीं, नबुव्वत के घर वाले हैं। आदम आया तो हमारे घर में आया, नूह आया तो हमारे घर में आया, इब्राहिम आया तो हमारे घर में आए, इस्माइल आए तो हमारे घर में आए, मूसा आए तो हमारे घर में आए, ईसा आए तो हमारे घर में आए। आदम से लेकर ईसा ने मरियम तक सारे का सारा निजाम नबुव्वत के साथ है और हम नबुव्वत के अहल हैं। नहनु अहलु बैत नबुव्वत, हम नबुव्वत के घर वाले हैं। क्या है नबुव्वत के घर वाले? फकत आदम नहीं, इल्म आदम भी उस घर में है। फकत नू नहीं, हिल्म नू भी उस घर में है। फकत मूसा नहीं, बल्कि हैबत मूसा भी उस घर में है। ईसा नहीं, फकत हिकमत ईसा भी इस घर में है। इब्राहिम फकत नहीं, खुल्लत इब्राहिमी भी इस घर में है। ईसा फकत नहीं, हिकमत ईसा भी इस घर में है। यानी क्या है कि ये बैत नबुव्वा वो है जहां पे आदम भी है, इल्म आदम भी है, नूह भी है, हिल्म नूह भी है, मूसा भी है, हैबत मूसा भी है, जहां पे हिकमत भी है, हिकमत ईसावी भी है, जहां पे इब्राहिम भी है, खुल्लत इब्राहिम भी है। ये घर अल्लाह का जलाल और जमाल का मजहर है, उसके वारिस हम हैं। ये वो घर है जिसकी विरासत अल्लाह ने हमें दी है। नहनु अहलु बैत नबुव्वत, हम नबुव्वत के घर वाले हैं। ये पहला जुमला है, हम नबुव्वत के घर वाले हैं। दूसरा जुमला फरमाया, वमा अदनु रिसालत, हम रिसालत की कान हैं। वी आर द ओरिजिन ऑफ मैसेंजरशिप एंड प्रोफेटहुड, हम नबुव्वत की कान हैं। यानी क्या मतलब? जितने नबी आए हैं हमारे नूर से आए हैं। पहला जुमला, हम नबुव्वत के घर वाले हैं। दूसरा जुमला, हम रिसालत की कान हैं। तीसरा जुमला फरमाया, ये खुतबा है पहला, वो भी दरबार में, वो भी दारुल अमारा में, वो भी गवर्नर हाउस में। पहला जुमला, हम नबुव्वत के घर वाले हैं। दूसरा जुमला, हम रिसालत की कान हैं। और तीसरा जुमला फरमाया, व मुख्तलफुल मलाइका, हम मलाइका के आने जाने की जगह हैं। हम मलाइका के आने जाने की जगह हैं। क्या मतलब है? मलाइका हमारे घर आते हैं, आकर दक्कुल बाब करते हैं, अना खियातुल हसनैन कहते हैं, आकर चक्की पीसते हैं, आकर तस्बीह करते हैं, आकर विर्द परवरदिगार करते हैं, आकर झूला झुलाते हैं, आकर लिबास रिजवान बन के आया करते हैं। तुम गवर्नर हो, तुम्हारे पास क्यों नहीं फरिश्ते आते? जी नहनु अहलु बैत नबुव्वत वमा अदनु रिसालत वमुख्तलफुल मलाइका, हमारी इजाजत के बगैर मलाइका घर में दाखिल नहीं होते। तीसरा जुमला ये कहा। चौथा जुमला फरमाए, फरमाया के बिना फतहल्ला, हम वो हैं कि इस कायनात की इब्तिदा अल्लाह ने हमसे की है। हम वो हैं
कि इस कायनात की अल्लाह ने इब्तिदा हमसे की है, अव्वलो मा खलक अल्लाह नूरी, सबसे पहले मेरे नूर को खल किया गया, क्या तन्हा नहीं, अना व अली मिन नूर वाहिद, मैं और अली एक नूर से हैं, बिना फतह अल्लाह, अल्लाह ने इस कायनात की इब्तिदा हमसे की है, अव्वल है हम, अव्वल मखलूक हैं। पांचवा जुमला फरमाया, पांचवा जुमला फरमाया, बिना खत्म अल्लाह, अल्लाह इस दुनिया का इख्तिताम भी हमसे करेगा। महदी उम्मत यहां पे हैं, जुर्रियत हुसैन से हैं, उस वक्त तक कयामत नहीं आ सकती है जब तक इमाम जमान अज्जल अल्लाह ताला फर्जु शरीफ का जहूर नहीं होगा, उस वक्त तक कयामत नहीं आ सकती है। यानी इमाम ने सारी तारीख का खुलासा कर दिया, फरमा बिना फतह अल्लाह, हम वो हैं कि अल्लाह ने कायनात की इब्तिदा हमसे की, बिना खत्म अल्लाह, हम वो हैं कि अल्लाह इस कायनात का इख्तिताम हमसे करेगा, हम अव्वल मखलूक भी हैं, हम आखिर मखलूक भी हैं, किससे तुम मांग रहे हो बैत, और याद रखो बैत उसकी यजीद की, फासिकुन फाजिरुन मुअलिनु बिल फिस्क, यजीद फासिक है, यजीद फाजिर है, यजीद अलानन अलानिया तौर पर फिस्क व फुजूर में मुबतला है, मिसली ला युबायो मिसला, मुझ जैसा कभी यजीद जैसे की बैत नहीं करेगा। क्या जुमला है मेरे मौला का, फरमाया कि मुझ जैसा कभी यजीद जैसे की बैत नहीं करेगा, यानी ये नहीं क्या हुसैन यजीद की बैत नहीं करता, फरमाया मिसली मिसली ला युबायो मिसला, मुझ जैसा कभी यजीद जैसे की बैत नहीं करेगा। इसका मतलब यानी ये है कि 14 सदियां गुजरने के बाद भी अगर कोई यजीद आएगा तो हुसैनी कभी उसकी बैत नहीं करेगा। ये हुसैनी हमेशा जमाने के यजीदों के खिलाफ टकराने की ताकत का नाम है। इस वक्त क्यों दुनिया इस वक्त कहती है, घबराती है, मातम से घबराती है, आजादारी से घबराती है, इस ताजियत से घबराती है, लोग फतवे देना शुरू कर देते हैं कि अगर आजादारी करेंगे तो फलां फलां पता नहीं कैसे किस किस से जो है ना वो बुग्ज पैदा होता है। तुम अपने बुग्ज का इजहार करो, फलां फलां को छोड़ो अभी फिलहाल। इस वजह से मुख्तलिफ बहाने बनाए गए हैं आजादारी के खिलाफ। जब ये बातें की इमाम ने उठने लगे तो मरवान ने कहा कि अगर हुसैन आप चले गए तो फिर आपके हाथ नहीं आने वाले, लिहाजा जो यजीद ने कहा है ना कि इस खत के साथ अगर हुसैन बैत न करें तो सर रवाना करें, ये जो जुमले उसने कहे ना तो इमाम की आवाज बुलंद है, यब नजर का अंत तक तो नहीं, ए नीली आंख वाली के बेटे तू मुझे कत्ल करेगा। ये जुमला जो उठा, आवाज बाहर गई, अब वो आ गए कि जिन्हें बीबी ने भेजा था, जैनबियून आ गए, आगे मुहाफिजी ने इमामत आ गए। सबसे पहले कहते हैं हजरत अब्बास हैं और दारुल अमारा की दरवाजे को ऐसी ठोकर लगाई कि दरवाजा टुकड़े टुकड़े हो गया। सबसे पहले आकर गयूर, गैरत और वफा के पैकर
कहा कि मौला इतना बता दीजिए किसने गुस्ताखी की है। कभी अली अकबर आगे बढ़ते हैं, मौला बताइए किसने गुस्ताखी की, किसने जसारत की है, किसने बेअदबी की है, कभी कासिम हैं, कभी अब्बास हैं, कभी अली अकबर हैं, सबके सरों पे इमाम अलैहिस्सलाम हाथ फेरते हैं, फरमाते नहीं, मैदान यहाँ नहीं है, मैदान हमारा महाज दूसरा है। सबके सरों पे हाथ फेरा और वापस आ गए, और वापस आकर मैं वो खुतबा आपने सुना पहला, और अब ये वसीयत के जुमले चूंकि हर आजादार को होने चाहिए, आने चाहिए, और हर आजादार को पता होना चाहिए हमारी जितनी आजादारी है उसकी फाउंडेशन यही है जो अभी मैं पढ़ने लगा जा रहा हूं। हर आजादार को, हर मुबल्ले को, हर खतीब को, हर आलिम को पता होना चाहिए कि इमाम अलैहिस्सलाम की ये जो आजादारी हम मनाते हैं, ये ताजियत हम पेश करते हैं, इसका मकसद क्या है और इसका मफहूम क्या है, ये हम सबको पता होना चाहिए। हर आजादार को इस बात की खबर होनी चाहिए कि यह आजादारी, इसकी जो फाउंडेशन है ये क्या है, आजादारी का मकसद क्या है, हम क्यों जमा होते हैं यहां के ऊपर आके, ये आपको इस वसीयतनामे में पता चलेगा। इमाम ने आकर वसीयतनामा लिखा, दरबार से वापस आकर इमाम ने लिखा, उसमें ये जुमले हैं, इन्नी लम अखरुज अशरम वला बतरम वला मुफसिदन वला जालिमन बल खरज तो ले इस्लाह फी उम्मत जद्दी उरीद अन आमुर बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर व उसीरा बिसीरत जद्दी व अबी अली इब्ने अबी तालिब। ये मैं जुमले बार बार कह रहा हूं इस वजह से कि हर आजादार को यह पता होना चाहिए कि आजादारी का जो मकसद है वो क्या है, करबला की जो फाउंडेशन है वो क्या है, मॉर्निंग एंड लेमेंटेशन इसके जो सिग्निफिकेंट है वो क्या है। फरमाया इन्नी लम अखरुज अशरम, मैं किसी आई एम नॉट लीविंग मदीना फॉर एनी काइंड ऑफ इवल्स टायरन, किसी जुल्म के लिए नहीं, किसी फसाद के लिए नहीं, किसी शर के लिए नहीं निकल रहा हूं। आजादारी शर को दूर करने वाली है, आजादारी जुल्म को दूर करने वाली है, आजादारी यजीदियत को मिटाने वाली है, आजादारी जमाने के यजीदों के खिलाफ ललकार बनने वाली है, यह आजादारी है। इसी वजह से घबराते हैं, जमाने का हर ताबूत आजादारी से घबराता है, सीने हमारे होते हैं, हाथ हमारे होते हैं, लेकिन आपको नहीं पता है इन सीनों पे जो हाथ पड़ता है वो लगता यजीदियत के मुंह पे तमाचा है, इस वजह से वो घबराते हैं। फरमाते हैं इन्नी लम अखरुज अशरम वला बतरम वला मुफसिदम वला जालिमन, क्या है मकसद, क्या है फरजंदे रसूल बताइए आपका मदीना छोड़ने का मकसद क्या है। फरमाते हैं मेरा मकसद ये है कि मैं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह करूं, ये पहला मकसद बताया मेरे मौला ने। लम अखरुज अशरम वला बतरम वला मुफसदन वला जालिमन बल खरज तो बट आई एम लीविंग मदीना फॉर द रिफॉर्मेशन द नेशन ऑफ माई ग्रैंड फादर, दैट इज द फर्स्ट मोटिव, दैट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव है आजादारी का? आजादारी का सबसे पहला मकसद इस्लाह उम्मत है, इस्लाह उम्मत है। ये एक मजलूम के सदके में हम कितनी बड़ी मारिफत के खजाने हासिल करते हैं। मस्जिद के सामने तुझे मातम है नागवार,
देते नसर हुसैन तो पढ़ता नमाज कौन। ये सारी की सारी जितनी आप फ्यूज और बरकत देख रहे हैं ये सीधे शहदा का सदका है, याद रखो हमेशा। बल खरज तो ले इस्लाह फी उम्मत जद्दी, मैं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए जा रहा हूं। ये करबला की फाउंडेशन है। दीज आर द प्रिंसिपल एंड द फंडामेंटल ऑफ करबला, द फंडामेंटल ऑफ सुप्रीम सेक्रीफाइस। हमें पता होना चाहिए इस बात के लिए, करबला, करबला वाले आजादार और आजादारों के लिए इमाम ने एक पूरा कोड ऑफ लाइफ दे दिया है, एटिकेट्स दे दिए हैं, एटिकेट्स ऑफ आजादारी, प्रिंसिपल ऑफ आजादारी, क्रीड ऑफ मॉर्निंग एंड लेमेंटेशन इमाम अलैहिस्सलाम ने हमें दिए हैं। सबसे पहला चीज यह है, बल खरज तो इस्लाह फी उम्मत जद्दी, पहली चीज। दूसरी क्या है? उरीद अन आमुर बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर, दिस इज माई इंटेंशन। आई विश क्या है? जॉइनिंग द गुड एंड फॉरबिडिंग द बैड, ये दूसरी चीज है। पहली क्या है? रिफॉर्मेशन द नेशन ऑफ माई ग्रैंड फादर, फॉरबिडिंग द बैड। ये क्या है? जो नेकियों को मैं फैलाऊंगा, बुराई से मैं रोकूंगा। पहली चीज इस्लाह है, दूसरी अमर बिल मारूफ है, तीसरी नई अनिल मुनकर है, चौथी चीज फरमाई उसीरा बेसीरत जद्दी, मैं वो लाइफस्टाइल दूंगा कि जो मेरे नाना का है, वो सीरत पेश करूंगा जो मेरे नाना की है, वो सीरत पेश करूंगा कि जो मेरे बाबा अली की है। यह है करबला की फाउंडेशन। ये जो कॉज हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, मोटिव्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है करबला का। करबला एक इंस्टीट्यूशन है, एक दरसगाह है, एक दानिशगाह है करबला। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, अगर कोई पूछे करबला के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आजादारी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सबसे पहली चीज बताई पे मैं जा रहा हूं उम्मत की इस्लाह करूंगा, मैं जा रहा हूं नेकियों को फैलाऊंगा, मैं जा रहा हूं बुराइयों से रोकूंगा, मैं जा रहा हूं सीरत नबवी को बताऊंगा, मैं जा रहा हूं सीरत अलवी को बताऊंगा। अब अगर खुलासा कर दिया जाए आजादार का क्या फरीजा है, आजादार की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आजादार की क्या ड्यूटी बनती है, आजादार वही है कि जो इस्लाह उम्मत किया करता है, लोगों में अमर बिल मारूफ किया करता है, नई अनिल मुनकर किया करता है, सीरत अलवी को बताता है, सीरत नबवी को बताया करता है। आजादारी, आजादारी के ये प्रिंसिपल्स हैं, द प्रिंसिपल ऑफ मॉर्निंग, द प्रिंसिपल ऑफ लेमेंटेशंस, ये आजादारी के फराइज। इसी वजह से आजादारी को इन फराइज से जुदा नहीं है, यहां पे भी यही होता है, फर्श अजा पे भी यही होता है। हम फर्श अजा पे सैयद शहदा के इस दस्तरखान पे ये सारी बरकत हम हासिल करते हैं। अकायद आपको यहां से मिलते हैं, नजरियात आपको यहां से मिलते हैं, तौहीद आपको यहां से मिलती है, अदल आपको यहां से मिलता है। इस वजह से कि जब आप कहें, अब मैं इन सब चीज का खुलासा कर दूं कि अगर आप कहते हैं ना हुसैन जिंदाबाद, तो हुसैन जिंदाबाद का मतलब है तौहीद जिंदाबाद, आदल जिंदाबाद, नबुव्वत जिंदाबाद, इमामत जिंदाबाद, विलायत जिंदाबाद, कयामत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। हुसैन जिंदाबाद यानी यजीदियत मुर्दाबाद, खारिजियत मुर्दाबाद, नासबियत मुर्दाबाद, तकफीरियत मुर्दाबाद, दाइश मुर्दाबाद। ये हुसैन इब्न अली। अब आपने देखा
यह वसीयतनामा है जो पूरा कोड ऑफ कोड एंड कंडक्ट ऑफ द मॉर्निंग एंड द लेमेंटेशंस है, यह है सिलसिला। उसके बाद इमाम ने यह वसीयतनामा लिखकर मोहर लगा के मोहम्मद बिन हनफिया के जो बीमार थे उनके हवाले किए। उसके बाद इमाम ने ऐलान किया कूच का, फरमाया इस वजह से आए हैं हम सारे अपने उस इमाम को, दुखी इमाम को जो जोर के बाद भी गिरिया करते हैं, इशा के बाद भी गिरिया करते हैं, सुबह के बाद भी गिरिया करते हैं। लाबकिया नालई का बदल दमूह दमा, बाबा मैं आप पे पानी के आंसू नहीं रोता हूं, मैं तो तेरे लिए खून के आंसू रोता हूं। बाबा तुम पे तो दिन भी रोता है, बाबा तुम पे तो रात भी रोती है। हम आए हैं अपने मौला और आका को, जिनका दिल बहुत दुखी है, उस बीबी को जो पहलू शिकस्ता है, जो जब गई यहां से तो अंदाज ये था कहते हुए गई कि सुब्बत अलैया मसाइबुन लो अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया। बाबा आपके बाद आपकी जहरा पे पता है क्या गुजरी है, अगर वो मसाइब दिनों पे आते दिन रात की शक्ल इख्तियार कर जाते। आज हम आए हैं पुरसा देने के लिए आए हैं, बीबी को पुरसा देने के लिए, या रसूलल्लाह मैं आपको पुरसा देने के लिए। जब आपने शहादत को सुना आपकी दाढ़ी परेशान थी, आपके सर पे खाक थी, हाँ हाँ आज हम आए हैं पुरसा देने के लिए। कहते हैं कि जब जाते हैं सबसे पहले बीबी उम्मे सलमा कहती हैं बेटा आप करबला की तरफ नहीं जाइए। फरमाते हैं अब आपको पता तो है, मैं अगर आपको वो मंजर आज दिखा दूं कि मुझे मेरी शहादत कहाँ होनी है, मेरा अकबर कहाँ शहीद होगा, मेरा असगर कहाँ शहीद होगा। कहते हैं तारीख ये कहती है कि उसके बाद इमाम ने फरमाया मेरी दोनों उंगलियों के दरमियान अम्मा देखो, ऐसे में जब बीबी उम्मे सलमा ने उन हालात को देखा कि जहाँ पे इमाम अलैहिस्सलाम घोड़े से गिरते हैं हाशिमर के वो कुंद खंजर से तेरा सर में लगती है, उन हालात को देखता वह धाड़ मार के रोने लगी, कहा कि इसका मंजर का तो मुझे आपके नाना करबला का बता कर गए थे, मुझे खाक शिफा दे कर गए थे। ये उस मंजिल की याद है। आज हम आए हैं पुरसा देने के लिए, बीबी को पुरसा देने के लिए, इमाम जमान को पुरसा देने के लिए। इमाम ने कूच का ऐलान किया। हाँ कूच का जो ऐलान किया सबसे पहले इमाम ने क्या किया है, अपने नाना की कब्र आधार में आए, एक दफा आकर ये जुमले कहे नाना जी चाहता था सारी जिंदगी आपकी कब्र का मुजाविर बन कर रहता है, लेकिन क्या गए जमाने ने मजबूर कर दिया है। कहते हैं तारीख ये कहती है कि इमाम की आंख लग गई, इमाम को ऊंग आ गई, ऐसे में उस अब आंख लगी देखा कि पैगंबर इस्लाम कब्र से बरामद होते हैं अपने सीने के साथ लगाते हैं, फरमाते हैं बेटा हुसैन तेरे अलावा इस दीन का कोई मुहाफिज नहीं, तुझे करबला जाना पड़ेगा, लेकिन याद रखो तू करबला तनहा नहीं, मैं नाना तेरे साथ होऊंगा, तेरा बाबा अली तेरे साथ होंगे, तेरी माँ जहरा तेरे साथ होंगी, तुमने घबराना नहीं, तेरे अलावा इस दीन का कौन मुहाफिज है। कहते हैं उसके बाद इमाम ने क्या किया, अपनी माँ जहरा की कब्र पर आए। तारीख इस तरह बताती है कि इस तरह आकर अपने आप को कब्र पे ऊपर गिरा दिया, अपने रुखसारों को कब्र के ऊपर रख कर ये कह दिया माँ अम्मा मैं तेरी जिंदगी पूरी बार ये चाहता था कि आपकी जिंदगी कि आपकी इस कब्र का मुजाविर बनकर रहे। ऐसे में जब सलाम किया कब्र थर थर आई, कब्र जब थर थर कब्र को जलजला आया, मेरी आका जादी ने कब्र से फरमाया अलैका
السلام يا عطشان الام عليك السلام يا غریب الام اے ماں کے پردیسی بیٹا تیری ماں کا تجھ پر سلام ہو ماں کے پیاسے بیٹا تیری ماں کا تجھ پر سلام ہو جاؤ تم نہیں فقط جاؤ گے یہ تمہاری ماں زہرا یہ پہلو شکستہ بھی تمہارے ساتھ جائے گی ہائے اس کے بعد آتے ہیں جب گھر آتے ہیں فرماتے ہیں اس طرح کرو کوچ کا اعلان کیا گیا کوج کا جب اعلان کیا گیا میرے مولا فرماتے ہیں عباس تم اس طرح کرو جو ہمیں الوداع کرنے کے لیے آئے ہیں ان سب کو کہہ دو اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ ہائے جب غیرت امامت گوارا نہیں کرتی ہائے حضرت عباس کی نگاہ طواف کرتی ہے چہرے امامت کا کہتے ہیں میں انہیں کس طرح کہوں فرماتے ہیں غیرت امامت گوارا نہیں کرتی زہرا کی بیٹیاں معاملوں پہ بیٹھے اور یہ مدینہ کے لوگ آ کر دیکھے میں کہوں گا مولا اس وقت آپ کا کیا عالم ہوگا جب یزید کا دربار اور یہ پوچھ رہا ہوگا اے میں زینب ہوں اے ام کلثوم علی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین یا عالم الذین ظلموا ایہم قدر ینقلبون خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرما پروردگار یہ گریہ یہ ماتم یہ تعزیت یہ پرسہ ہماری آخرت کا سرمایہ قرار دے پروردگار سیدہ کونین کو ہم سب پہ راضی و خوشنود فرما پروردگار اس وقت ان حالات میں جہاں جہاں پہ بھی ہمارے عزادار عزاداری میں شامل ہیں اور دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ نے دیکھا ان محدود وسائل اور محدود حد تک میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے پرسے کا اہتمام کیا ہے مرکز اہل بیت بولٹن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سارے جتنے بھی اس کی سپورٹ کرنے والے ہیں اور انتظامیہ ہے ایڈمنسٹریشن ہے ممبران ہیں دامِ درہم سخن ہیں جو اس کی حمایت کرنے والے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مرکز کو آباد فرما اس کے جتنے خدمت گزار ہیں پروردگار ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما جہاں جہاں پہ بھی اس وقت عزاداری کا سلسلہ ہے اور جہاں جہاں پہ بھی دیکھ رہے ہیں آن لائن دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب ہے فیس بک ہے جہاں جہاں پہ بھی یہ آواز پہنچ رہی ہے ہدایت کے ذریعے پروردگار ان عزاداروں کو ہر قسم کی آفات بلیات سے محفوظ فرما پروردگار انہیں ہر قسم کے شر ہر قسم کے حاسدین منافقین کے شر سے محفوظ فرما پروردگار ہمارے وہ عزادار کے جو اس سال عزاداری کرنا چاہتے تھے لیکن شامل نہیں ہو سکے بعض عالم برزخ میں ہیں پروردگار ہم دعا کرتے ہیں 1380 سال جن جن نے بھی عزاداری بپا کی ہے جس عنوان کے تحت اب بپا کی ہے جہاں جہاں پہ بھی تڈداری تھی بانی تھے امام بارگاہوں کے بانیان تھے عزادار تھے ماتمدار تھے سارے جتنے دستے تھے عزاداری سید و شہدا کے 1380 سالہ یہ جو عزاداری ہم پیش کر رہے ہیں اپنی بیوی کی بارگاہ میں جتنے بھی عزادار تھے آج تک پروردگار اس مجلس کا ثواب ان کے نام اعمال ودیعت فرما اور ہمارے جس وقت اس وقت جہاں جہاں پہ بھی سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جتنے ہماری بہنیں ہیں ہمارے بھائی ہیں اور پروردگار ان سب کے ان عزاداروں کے وہ عزادار کے جو اس وقت عالم برزخ میں اس رخصت ہو گئے ہیں پروردگار تو ان کی روح کو شاد فرما اور انہیں سید الشہداء کا جوار مقدس نصیب فرما یا اللہ عزادار جہاں جہاں پہ بھی دنیا میں انہیں آباد فرما یزیدیوں کو نیست و نابود فرما عالم اسلام کو سربلند فرما عالم طاغوت کو نابود فرما یا اللہ وارث عزا امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور و نور میں تعجیل فرما اللہم عجل لولیک الفرج ماتم حسین
इस चांद में उजड़ी है बीमार की उम्मीदें, दुखिया ने गुजारी है रोते हुए दो ईदें, फिर भी ना मिली करबला से आने की अकबर की खबर लोगो जब चांद मोहर्रम का आता है नजर लोगो जब चांद मोहर्रम का आता है नजर लोगो जरा सोचा करो किस तरह उजड़ा होगा खातून का घर लोगो जब चांद मोहर्रम का आता है नजर लोगो बिस्मिल्लाह जी जब चांद मोहर्रम का सब आवाजें जी जब चांद मोहर्रम का आता है नजर लोगो ये चांद तो चमका है अफलाक के सीने में जहरा का चांद छुपा है हाय खाक के सीने में खून में नहला दिया तीरों और तलवारों से हैदर का पिसर लोगो जब चांद मोहर्रम का आता है नजर लोगो जब चांद मोहर्रम का आता है नजर सब बिस्मिल्लाह जी आवाज़ है जब चांद मोहर्रम का आता है नजर लोगो जब चांद अकबर की आजाए से गूंजी है जमाने में नबियों ने सुनी आके करबल के वीराने में लैला के चांद का चीर डाला है पल में बरची ने जिगर लोगो जब चांद मोहर्रम का आता है नजर लोगो बिस्मिल्लाह जी जब चांद मोहर्रम का आता है नजर लोगो बिस्मिल्लाह जी आवाज़ है जब चांद मोहर्रम का आता है नजर लोगो जरा सोचा करो किस तरह उजड़ा होगा खातून का घर लोगो जब चांद मोहर्रम का आता है नजर लोगो बिस्मिल्लाह जी जब चांद मोहर्रम का आता है नजर लोगो जब चांद ये चांद तो चमका है अफलाक के सीने में जहरा का चांद छुपा है हाय खाक के सीने में खून में नहला दिया तीरों और तलवारों से हैदर का पिसर लोगो जब चांद मोहर्रम का आता है नजर लोगो बिस्मिल्लाह जी जब चांद मोहर्रम का आता है नजर सब आवाजें जी जब चांद मोहर्रम का आता है नजर लोगो जरा सोचा करो किस तरह उजड़ा होगा खातून का घर लोगो जब चांद मोहर्रम का आता है नजर लोगो बिस्मिल्लाह जी जब चांद मोहर्रम का आता है नजर लोगो जब चांद
अकबर की अज़ाए से गूंजी है जमाने में, नबियों ने सुनी आके करबल के वीराने में, लैला के चांद का चीर डाला है पल में, बरछी ने जिगर लोगो जब चांद मुहर्रम का आता है नजर लोगो। या हुसैन 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 मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत।